तो चलो प्यारे प्यारे बच्चों, इसको स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जेई मेंस, जेई एडवांस में काफ़ी बार बाइनरी स्टार सिस्टम पे क्वेश्चन आया है, तो आप इसको अच्छे से समझना यार। ए डबल स्टार सिस्टम इन ए सिस्टम ऑफ टू स्टार मूविंग अराउंड द सेंटर ऑफ इनर्सिया ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ इनर्सिया मतलब ये सेंटर ऑफ मास है। दो स्टार हैं, वो सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव कर रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द कॉम्पोनेंट ऑफ द डबल स्टार सिस्टम इफ द टोटल मास ऑफ द टू मास इज एम एंड टाइम पीरियड टी है। मतलब इनका जो टाइम पीरियड है वो टी है, और टोटल मास मतलब एक का मास अगर एम वन है और इसका मास एम टू है, तो ये कह रहे हैं कि एम वन प्लस एम टू की वैल्यू कैपिटल एम के बराबर है। और ये दोनों, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नथिंग बट इज दैट सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास के अराउंड मूव कर रहे हैं, मतलब नेक्स्ट मोमेंट अगर ये यहाँ होगा, ये वाला यहाँ आएगा ऐसे, ये यहाँ आएगा, तो ये वाला जो प्लेनेट है, दिस स्टार, ये स्टार प्लेनेट नहीं स्टार है, तो ये स्टार यहाँ होगा। ठीक है, इसका नाम ए रख देता हूँ, इसका नाम बी रख देता हूँ। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ से, तो ये जो है ऐसे, नेक्स्ट मोमेंट ये, नेक्स्ट मोमेंट ये यहाँ आएगा, इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो रेस्ट में रहेगा भाई। नेक्स्ट मोमेंट ये प्लेनेट यहाँ आएगा ऐसे, और ये वाला जो प्लेनेट है वो यहाँ आएगा यार। ठीक है, ये नेक्स्ट इनका मोमेंट है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है, इस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू सिस्टम इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास वो रेस्ट में रहेगा, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ज़ीरो होगी। ये तो बात आपको क्लियर आ गया होगा। अगर इन दोनों को फ्रीली छोड़ दिया जाता है, अगर एक मास m1 इधर है और इस मास m2 को मैं इधर से m2 से छोड़ देता हूँ, और अगर इनके बीच केवल ग्रेविटेशन लग रहा है, मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से समझना, जे एडवांस में मेंस में काफ़ी बार क्वेश्चन आया है, अगर मैं इसको m1, ये तो v1 और v2 से छोड़ दिए, तो इनका मिलन कहाँ होगा? ये कहाँ दोनों जाके मिलेंगे मेरे भाई? तो ये दोनों एक यूनिक पॉइंट में मिलेंगे जिसका नाम है सेंटर ऑफ मास। तो ये सेंटर ऑफ मास पे ही जाके मिलेंगे, और कहीं मिल नहीं सकते। फाइनली इनका टारगेट है सेंटर ऑफ मास पे जाना। क्यों? क्योंकि जो इनके बीच अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है F1 और F2 ग्रेविटेशनल, वो तो इंटरनल फोर्स है ना, तो इंटरनल फोर्स है, तो सेंटर ऑफ मास पहले भी रेस्ट है, बाद में भी रेस्ट है, एक कितनी भी उछल कूद कर लें तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही है, रेस्ट है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलो दूसरी इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि अगर मान लो किसी इंस्टेंट, सोचो कि किसी इंस्टेंट अगर प्यारे बच्चों ये यहाँ है, तो ये एंगल कितना चला, तो ये एंगल थीटा वन चला, तो इसको भी तो थीटा थीटा वन ही चलना पड़ेगा, थीटा टू मान लो चला, तो थीटा वन बराबर होगा थीटा टू के। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास को रेस्ट में रहना। देखना पूरा बता रहे हूँ, यूट्यूब का सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन प्यारे बच्चों। अगर समझ में आए तो अच्छे से कमेंट करो, सपोर्ट करो, और हाँ यार तुम्हें लगे कि हाँ किसी ने पूरा सलूशन दिया है अच्छे से, तो यार एक लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर तो बनता है। तो यहाँ से थीटा वन थीटा टू बराबर है मेरे भाई, ये इधर गया थीटा, एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इधर आया थीटा टू। अगर थीटा वन थीटा टू बराबर नहीं होगा मेरे भाई, तो सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगी फिजिक्स से। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी थीटा वन इज इक्वल टू डी थीटा, अगर इसका मैं टाइम के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो डी थीटा इज इक्वल टू डी थीटा टू इज इक्वल टू डी टी। तो ये दो, अब ये क्या भाई, ये है ओमेगा वन बराबर ओमेगा टू। मतलब अगर कोई स्टार बाइनरी सिस्टम है, ठीक है ना, बाइनरी सिस्टम है, बाइनरी सिस्टम मतलब ऐसा सिस्टम जो एक सेंटर ऑफ मास के अराउंड दो स्टार मूव कर रहे हैं, तो उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम होता है, एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, और ओमेगा होती है टू पाई टी प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब ये हुआ कि टी वन बराबर है टी टू। तो अगर बाइनरी सिस्टम है तो टी वन और टी टू आपस में बराबर होते हैं, थीटा वन थीटा टू आपस में बराबर होता है, ये हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो अगर हमें इतनी सी बात पता चल गई, तो हम टाइम पीरियड इनके बीच का डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है एल,
इसकी हमें कैलकुलेशन करनी है। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस एल, तो चलो कैलकुलेट करते हैं। अब ये देखो कि अगर एक एक यहाँ पे मास m1 है, तो ये दूसरा वाला जो मास है वो m2 यहाँ है, और ये इनका सेंटर हम मास है, तो ये डिस्टेंस पूरा l है जिसकी कैलकुलेशन हम लोगों को करनी है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस r1 मान लेता हूँ सेंटर ऑफ मास का, और ये डिस्टेंस r2 मान लेता हूँ। तो अगर मैं ओरिजिन यहाँ पे ले लूँ, तो r1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m2 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और r2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी m1 l डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आई होप कि सबको आप पढ़े होंगे। तो हमें ये पता चल गया कि जो पहला वाला स्टार था वो सेंटर ऑफ मास से कितनी दूर पे है। अब इनके बीच एक यूनिक फोर्स लग रहा है जो कि म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, और साथ साथ ये इस सेंटर के अबाउट ऐसे सर्कल में घूम भी रहा है। मेरे भाई ये ऐसे सर्कल में घूम रहा है, और ये इस सेंटर के अबाउट ऐसे सर्कल में घूम रहा है। इन दोनों का जो सेंटर है वो कॉमन है भाई, ये कॉमन है। तो ऑब्वियसली जो इन दोनों पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वो तो सेम होगा क्योंकि एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही सेंटीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड सेंटीपिटल फोर्स यहाँ से। तो पहले वाले पे अगर मैं लिखूँ तो मास m1 r1 ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी मास m1 और मास m1 ग्रेविटेशनल फोर्स, मास m2 और इनके बीच का डिस्टेंस l का स्क्वायर। हमें चाहिए यार l, तो यहाँ से मास m1 ने m1 को खा गया, तो L1 की वैल्यू अगर रख देता हूँ, तो L R1 की वैल्यू रख देता हूँ, तो R1 की वैल्यू ऊपर देखो क्या निकाला हूँ, R1 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से आ जाएगी M2 L अब M1 प्लस M2 और मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1, तो ओमेगा 1 स्क्वायर इज इक्वल टू जी M2 अपॉन L का स्क्वायर। अब हमें चाहिए टाइम पीरियड, तो यहाँ से M2 ने M2 को खा गया, तो यहाँ से L अपॉन m1 प्लस m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ से ओमेगा 2 पाई टाइम पीरियड t का स्क्वायर, दोनों का ओमेगा सेम है, g अपन l का स्क्वायर। तो यहाँ से तुम जब इसको सॉल्व करोगे तो ये l की पावर q इधर बचा, और इधर बचा अपना 4 पाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और इसमें कैपिटल जी का मल्टीप्लाई कर दूँ टाइम पीरियड टी का स्क्वायर। तो जो हमें चाहिए टाइम पीरियड टी का स्क्वायर वो आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम वन प्लस एम टू की वैल्यू एम, और ये आ जाएगा एल की पावर क्यू। तो याद आ रहा कुछ? ऐसा नहीं लग रहा तुम इसे कहीं मिले हो? याद आ रहा कुछ? ऐसा नहीं लग रहा ये जाना पहचाना सा लग रहा है ये रिलेशन? अरे मेरे भाई ठीक है, अच्छे से देखो, प्यार से देखो इसको, बड़े आराम से देखो इसको, और हमें पहले से पता है इसी के फॉर्म में होता है, इतना करने की ज़रूरत नहीं थी, वी ऑलरेडी नो दैट। ठीक है, इन जनरल हमने डिराइव किया था किसी भी चीज़ का टाइम पीरियड टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम फोर पाई स्क्वायर आर की पावर क्यू, ये इसी के फॉर्म में तो है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि बाइनरी स्टार सिस्टम में क्या क्या सेम रहता है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर क्वांटिटी सेम रहती है, लीनियर वेलोसिटी अलग अलग हो सकती है क्योंकि मास अलग अलग हो सकता है, और लीनियर, हाँ फॉर बाइनरी समराइज कर देता हूँ, बाइनरी सिस्टम, बाइनरी स्टार, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेई के लिए बता दे रहा हूँ फिर से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास, ठीक है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन सिस्टम जीरो है क्योंकि ग्रेविटी है, तो एक्सलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा चाहे। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर है। दूसरी बात है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, थीटा वन थीटा टू बराबर होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो टाइम पीरियड बराबर होगा मेरे भाई। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि लीनी, अगर मास एम वन बड़ा है एम टू से, तो सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास अगर दो मास है, ए मास m1 है और ये मास m2 है, तो यहाँ पर तुम देखोगे तो सेंटर, अगर m1 ज़्यादा बड़ा है तो सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा यार,
मतलब आर वन लेस होगा आर टू से, तो आर वन लेस होगा आर टू से, तो बी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, तो ओमेगा सेम है इन दोनों का, तो इसका मतलब ये हुआ कि वी वन इज लेस देन वी टू, मतलब पहला वाला स्लो चलेगा तो जो हैवी होगा वो स्लो चलेगा और जो लाइटर होगा वो उछल कुछ ज़्यादा करेगा, ठीक है, और उसका सेंटर ऑफ मास, तो ये लीनियर वाली क्वांटिटी सेम नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी सेम है, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट एनालिसिस, तो मज़ा आ गया होगा आपको क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट एनालिसिस। अपना बहुत ख्याल रखो, मोटिवेटेड रहो, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।